आज की वीडियो में हम इंसेक्ट्स में साउंड प्रोडक्शन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साउंड्स जो हैं ये इंसेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं क्या ऐसा रोल प्ले करती हैं ये इंसेक्ट्स की लाइफ के अंदर ठीक है तो डिफरेंट इंसेक्ट ऑर्डर से बिलोंग करने वाली जो स्पीशीज़ हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस करती हैं ठीक है और टाइप्स ऑफ साउंड जो है ये वेरी करती है इन द फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ठीक है तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की अगर कर बात करें तो ये साउंडस uh, जो है ये मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्पीशीज़ जो हैं यूज़ करती हैं ड्यूरिंग कोर्टशिप डिस्प्ले और ड्यूरिंग मेटिंग ठीक है और जो मेल्स हैं इंट्रा सेक्शुअल कॉम्पिटिशन जो है बिटवीन द मेल्स उसमें भी ये साउंडस को यूज़ करते हैं और मेनली जो स्पीशीज़ रिकग्निशन है कौन स्पेसिफिक्स जो हैं उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए भी ये साउंडस को यूज़ करते हैं और वार्निंग या डेंजर जो है इसको इंडिकेट करने के लिए या जो है अपनी स्पीशीज़ के मेंबर्स जो हैं उनको वार्न करने के लिए भी ये साउंड को यूज़ करते हैं ठीक है और एक जो सिंगल स्पीशीज़ है इसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती हैं साउंड की आपको पता है कि तीन मेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे फ्रिक्वेंसी है इंटेंसिटी है और इसकी ड्यूरेशन है ठीक है तो इन तीनों को वेरी करने की वजह से एक सिंगल स्पीशीज़ जो है ये डिफरेंट सिचुएशन में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड जो है ये प्रोड्यूस करती हैं नेक्स्ट है मैथड्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन के इंसेक्ट्स में किस किस तरीके से साउंड जो है ये प्रोड्यूस हो सकती हैं तो पांच डिफरेंट मैथड्स है जिनको ये यूज़ करते हैं साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले है कि ये अपना कोई भी बॉडी पार्ट जो है इसको किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो टैप करते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट है कि ये जो है अपने किसी बॉडी पार्ट को जो है ये रब करते हैं किसी दूसरे बॉडी पार्ट के साथ ठीक है दो बॉडी पार्ट्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो सकती है थर्ड मेथड ये, ये है कि ये अपने विंग्स या थॉरिक्स की वॉल जो है इसके अंदर वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस कर, कर सकते हैं नेक्स्ट है ये कोई स्पेशल मेम्ब्रेन जो है इनके अंदर प्रेजेंट हो सकती है मस्कुलर मेम्ब्रेन होगी और मसल्स जो हैं इनकी कंट्रैक्शन की वजह से जो है साउंड्स प्रोड्यूस हो सकती हैं और लास्ट मेथड ये है कि ये अपने बॉडी से एयर को एमिट करके साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो so, ये पांच डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज करके इंसेक्ट्स जो हैं ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साउंड प्रोडक्शन बाय टैपिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के बॉडी पार्ट जो है कोई भी इसको किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के साथ टैप करने से किस तरीके से ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले है कि जो डेथ वॉश बीटल है और एन फैमिली से बिलोंग करने वाली जो बीटल्स हैं ये इनमें मेल्स जो हैं ये अपने हेड को स्ट्राइक करते हैं विद द वॉल ऑफ बरो ठीक है और ये मेनली सेक्सुअल कॉल होती है बाय द मेल और ये कोर्टशिप डिस्प्ले कह लें कि कोर्टशिप के दौरान ये जो मेटिंग कॉल है ये प्रोड्यूस करते हैं बाई टैपिंग देयर हेड ठीक है नेक्स्ट मेल प्रीकॉप्ट्रा और सोकॉप्ट्र जो हैं ये अपने एबडोम जो हैं इनको सबस्ट्रेट के साथ स्ट्राइक करते हैं ठीक है ये मेन मेनली जो है अब को स्ट्राइक कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ सबस्ट्रेट के साथ नेक्स्ट जो टर्माइट्स हैं इनके सोल्जर्स जो होते हैं सोल्जर कास्ट जो होती है ये अपने हेड्स को स्ट्राइक करते हैं अगेंस्ट द नेस्ट स्ट्रक्चर एज वार्निंग सिग्नल ठीक है कोई प्रिडेटर है या कोई भी अटैक है अटैक हुआ है तो इस केस में ये जो टर्माइट्स के सोल्जर कास्ट होती है ये अपने हेड्स को जो है ये स्ट्राइक करती है अगेंस्ट द नेस्ट स्ट्रक्चर तो ये एक अलार्म कॉल के तौर पर एक्ट करती है नेक्स्ट है साउंड प्रोडक्शन बाय फ्रिक्शन ऑफ वन पार्ट ऑफ बॉडी अगेंस्ट अनदर की दो बॉडी पार्ट्स जो है इनके दरमियान फ्रिक्शन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो किस तरीके से हो रही है तो इस तरीके से जो साउंड प्रोड्यूस होती है कि एक बॉडी पार्ट जो है इसको किसी दूसरे बॉडी पार्ट के साथ रब करके जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है इसको हम कहते हैं स्ट्राइडुलेशन और स्ट्राइडुलेशन जो है ये फील्ड क्रिकेट्स मोल क्रिकेट्स ट्री क्रिकेट्स बेस्ट बीटल डाइनोसरोस बीटल और लॉन्ग हॉर्न बीटल्स जो हैं इनमें मेनली जो है स्ट्राइडोलेशन की थ्रू जो है ये साउंड प्रोड्यूस होती है और स्ट्राइडोलेटरी ऑर्गन्स जो है ये इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स जो हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे विंग्स हैं लेग्स हैं एंटीनी है माउथ पार्ट्स हैं या सेगमेंटल जॉइंट्स जो हैं इनके ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं अब हम जो डिफरेंट जो फैमिलीज़ हैं इनमें में किस तरीके से होती है उसको डिस्कस करेंगे तो फैमिली एक्रीडिटी जो है इनमें में किस तरीके से होती है कि इनका जो स्ट्राइडोलेटरी अपरेटस होता है ये मेनली जो सर्कुलर पैग्स होते हैं ये इनके जो हाइंड लेग्स होते हैं इनकी साइड्स के ऊपर सर्कुलर पैग्स होते हैं और एलिट्रा जो होता है एलिट्रा जो इनके विंग्स होते हैं इनके ऊपर जो है ये एक इनहसड वेन प्रेजेंट होती है तो मेनली ये क्या करते हैं कि रिदमिकली के लिए जो है ये अपने जो एलिट्रा हैं उनको रब करते हैं विद देयर हाइंड लेग्स जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट uh, जो फैमिलीज हैं टेटिगोनीडी और इनमें इनमेंगुलेशन किस तरीके से होती है कि इनमें जो uh, इनकी टेगमिनल वेन होती है क्यूबिटस वेन क्यूबिटस टू ये इसको हम कहते हैं दिस इज़ फाइल और ये जो है uh, जो इनकी स्क्रोटाइज फोर विंग होता है इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्क्रेपर कहते हैं ठीक है तो ये मेनली दो दोनों विंग्स जो हैं इनके दरम्यान जो है ये uh, रब करने की वजह से फ्रिक्शन की वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है ठीक है और क्रिकेट्स और कैडिडेट्स जो होते हैं अब साउंड को ये परसीव किस तरीके से करते हैं कि क्रिकेट्स और कैडिडेट्स जो होते हैं इनकी फ्रंट लेग्स में जो टीबिया की बेस होती है ठीक है वहाँ पे टिम्पैना प्रेजेंट होती है टिम्पैना मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि इन साउंड्स को परसीव करती है ठीक है नेक्स्ट इस ट्राइडोलेशन इन ग्रिक्रिडिटी ठीक है इन में क्या होता है कि सेकेंड और थर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट्स जो हैं ये रब होते हैं इनको रब किया जाता है विद पोस्टीरियर फेमोरा ठीक है लेग का जो सेगमेंट है फेमोरा इसके साथ इसको रब करते हैं सेकेंड और थर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट को जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है हाइमिनोप्ट्रन्स जो हैं इनमें किस तरीके से होती है स्टाइडुलेशन के इनका जो फाइल होता है दैट इज़ फर्स्ट जो गैस्ट्रल सेगमेंट होता है उसके ऊपर uh, प्रेजेंट होता है ठीक है गैस्ट्रल सेगमेंट क्या होता है पिटियोल के बाद जो पहला एबडामिनल सेगमेंट होता है उसको हम गैस्ट्रल सेगमेंट कहते हैं ठीक है थीके? और जो फाइल होती है ऑन द फर्स्ट गैस्ट्रल टर्गम इज स्क्रेप्ड बाय द पोस्टीरियर एज ऑफ प्रिसीडिंग टर्गम ठीक है और जो पोस्टी पोस्टीरियर रेड एज होता है टर्गम का जो उसके पीछे टर्गम प्रेजेंट होता है उसके साथ इसको स्क्रैप किया जाता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट है साउंड प्रोडक्शन बाय वाइब्रेशन ऑफ विंग्स और थोरेसिक वॉल ठीक है तो ये मेनली जो ड्रोसोफिला हैं इनमें जो है ये विंग्स uh, की वाइब्रेशन जो है इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो, होती है ठीक है और इसको हम हमिंग या बजिंग कहते हैं ठीक है बीज जो हैं इनमें जो फूड सोर्स को जो लोकेट करती हैं उस टाइम पे 300 हंड्रेड टू एट हंड्रेड हर्ट्स की साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है बाय द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स और नॉर्मल फ्लाइट जो है इसमें टू हंड्रेड हर्ट्स फ्रीकवेंसी होती है साउंड की ठीक है तो इनमें मेनली क्या होता है विंग्स और थॉरक्स की वाइब्रेशन जो होती हैं इनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट है साउंड प्रोडक्शन बाय वाइब्रेशन ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन थ्रू मस्कुलर एक्शन ठीक है कुछ जो इंसेक्ट्स हैं इनके अंदर एक स्पेशल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ठीक है और इसको हम कहते हैं जो है टिम्बल मैकेनिज्म ठीक है तो इसमें क्या है कि टिम्बल की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है टिम्बल मेनली ये जो मेब्रेन होती है मस्कुलर मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं दिस इज टिम्बल टिम्बल ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एग्जोस्केलेटन जो है ये प्रेजेंट नहीं होता ये यहाँ पे थिन क्यूटिकल होती है और इसको रिजिड जो है एग्जोस्केलेटन उसने सराउंड किया होता है जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं टिम्बल जो है इट इज़ कॉरोगेटेड कॉरोगेटेड से मुराद ये है कि इसमें सीरीज ऑफ पैरेलल रिजज या ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं ठीक है और ये एक एक्जोस्केलेटल स्ट्रक्चर है जो कि इंसेक्ट्स यूज़ करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है और कुछ साइकेड जो हैं इनमें ये साउंड जो होती है इट मे भी लाउडर देन 106 जीरो ठीक है और ये इंसेक्ट्स के अंदर जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उनमें लाउडेस्ट साउंड जो है ये 106 जीरो की साइकडास प्रोड्यूस करते हैं तो टिम्बल मैकेनिज्म जो है ये मेनली साइकडाज में होता है कुछ हेमिप्रा के कुछ मेंबर्स में लेपिडॉप्टर्स में और आकडीडी फैमिली से बिलोंग करने वाली जो लैपडॉप्टर्स एडल्ट इनमें स्पेसिफिकली टिम्बल मैकेनिज्म के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट इज साउंड प्रोडक्शन बाय एमिशन ऑफ एयर ठीक है और इसमें हमारे पास एग्जांपल है डेथ्स हड हॉक मॉथ जो है इसके अंदर क्या होता है कि ये अपने फेरिंग्स जो है इसके अंदर से फोर्सफुली एयर को एमिट करती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है सो दिस वाज ऑल अबाउट साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन साउंड प्रोडक्शन इन इंसेक्ट्स